हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो आज है 18 तारीख, अगस्त का महीना है और संडे का दिन है और हमारे यहाँ आज ही से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया है। आज मेरी बड़ी बुआ जी आई हैं, हुई हैं बिंदकी से पापा को राखी बांधने के लिए और कल रक्षाबंधन है और कल ये मॉर्निंग में 9 बजे तक चली जाएंगी फतेहपुर और सुबह मुहूर्त नहीं है राखी बांधने का, दोपहर से है। तो अभी आज शाम का मुहूर्त अच्छा था राखी बांधने का, तो फिर बुआ जी ने आज शाम को ही राखी बांध दी है। और जब बुआ राखी बांधने लगी तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना ली है बुआ जी की और पापा जी की। तो बस यहाँ पे ये देखिए, बुआ जी ने राखी बांध दी है और राखी बांधने के बाद मिठाई खिला दी है यहाँ पे, और अभी वो मम्मी को भी राखी बांधेंगी। और आज हमारी बड़ी बुआ आई हैं और मेरी 3 और बुआ सास हैं, तो वो देखिए हो सकता है कल तक जिसको भी आना होगा तो वो कल आएगा। तो यहाँ पे बुआ जी ने कर दी है आरती पापा की और यहाँ पे पापा ने भी बुआ जी का मुंह मीठा करा दिया है। और पापा को राखी बांधने के बाद यहाँ पे आ गई हैं बुआ मम्मी को राखी बांधने के लिए, तो यहाँ पे वो अपने दोनों भाई भाभी को राखी बांधेंगी। और इस साल मेरी ननंद रानी नहीं आई हैं क्योंकि वो इस साल चली गई हैं दिल्ली देवर जी को राखी बांधने के लिए, तो इस बार का रक्षाबंधन वो वहीं पे मना रही हैं और उनके बच्चे इस समय दिल्ली में ही हैं। और कल है रक्षाबंधन का त्यौहार और यहाँ पे उतार दी है बुआ जी ने आरती, और फिर इसके बाद यहाँ पे मम्मी और पापा ने बुआ जी के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया और यहाँ पे बुआ जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद मम्मी का भी मुंह मीठा करा दिया और यहाँ पे मम्मी ने भी बुआ जी का मुंह मीठा करा दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी गिफ्ट वगैरह मम्मी को देना था तो यहाँ पे बुआ जी को उन्होंने दे दिया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, मेरी बेटी इस समय 2 दिन की छुट्टी पे आई हुई है घर और यहाँ पे उसकी फ्रेंड आई है उससे मिलने, तो इन दोनों की मस्ती चल रही है। अभी अभी ये लोग मार्केट से लौटी हैं राखी वगैरह खरीद के, तो बस अब रक्षाबंधन की फुल तैयारी है। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। ये रक्षाबंधन वाला दिन है, आज 19 तारीख है, सोमवार का दिन है, सावन का अंतिम सोमवार है। तो बस हम लोग बांदा से निकल के ये पहुँच चुके हैं महावीरन के हनुमान जी, और हस्बैंड मेरे अभी प्रणाम करने जा रहे हैं और बहुत तेज़ पानी बरस रहा था तो हस्बैंड मेरे बस यहाँ पर प्रणाम करेंगे और हम लोग फिर चल देंगे चित्रकूट की तरफ। हम लोग आज चित्रकूट जा रहे हैं और बारिश देखिए बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। और ये है मेरी बेटी जो आई हुई थी और इसको हमें हॉस्टल छोड़ना है और भाई को राखी भी बांधनी है। तो ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ मामा जी के घर पे और यहाँ पे अभी सबसे पहले मम्मी राखी बांध रही हैं मामा को। ये मेरे सबसे छोटे मामा हैं और सबसे पहले मैं यहीं पे आ गई थी राखी बांधने। मामा जी के बेटे हैं अरमान और ओम, उन दोनों को मैं राखी बांधूंगी। और यहीं पे मेरी मौसी जी का बेटा बच्चा भी आ गया था, और मतलब नाम उसका कुछ और है, हम लोग प्यार से बच्चा कहते हैं उसको, आकाश नाम है। तो फिर यहीं पे हम सब लोग अपना जो भी राखी बांधने वाला सामान था और मिठाई वगैरह सब लेके यहीं पे आ गए मामा जी के घर पे। और यहाँ पे मम्मी तो रचना कर रही हैं मामा जी को और राखी बांध रही हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने ही स्टार्टिंग की थी और यहाँ पे वो मामा और मामी दोनों को ही राखी बांधेंगी। और अभी हनी और लवी रेडी हो रहे हैं, अभी वो तैयार नहीं थे तो मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जब तक तैयार हो तब तक मैं मामा जी के घर से राखी बांध के आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं राखी बांधूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर पे। वहाँ पे हनी और लवी अभी वेट कर रहे हैं रेडी होके मेरा, और अभी आशु काजल ने भी राखी नहीं बांधी है और अभी विनी भी बांधेगी आशु को राखी। और यहाँ पर देख लीजिए मम्मी ने उतार दी है आरती और राखी बंध गई है अब इन लोगों की। और यहाँ पे दोनों लोगों का मुंह मीठा करा दिया है मम्मी ने,
और यहाँ पे मामा जी पैर छू रहे हैं मम्मी के, और यहाँ पे मामी जी ने भी पैर छू लिए थे। और ये मेरी आ गई हैं मौसी, मौसी भी यहीं पे सामने ही रहती हैं। तो इन तीनों के घर आसपास हैं, मेरे भाई का और मामा जी का और मौसी जी का बिल्कुल अगल बगल ही घर हैं। और यहाँ पे आ गई हैं मौसी जी अब राखी बांधने के लिए। अब मौसी ने टीका कर दिया है और यहीं पे ये राखी बांध देंगी। और अभी पीछे आपको दिख रहे होंगे मेरे भाई सब लाइन से बैठे हैं, मामा जी और मौसी जी के बच्चे। और जब इन लोगों का नंबर ख़त्म होगा तो फिर उन लोगों का नंबर आएगा। तो बस यहाँ पे हम भाई बहनों की मस्ती भी चल रही है। और एक लोग फ़ोटो खींच रहे थे और मैं बना रही थी यहाँ पे वीडियो। मामा जी का बेटा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा है। और ये देखिए यहाँ पे मौसी जी ने भी बांध दी है राखी, और यहाँ पे मामी को भी मौसी ने राखी बांध दी थी। तो बस यहाँ पे मम्मी और मौसी का राखी बांधने वाला काम हो चुका है। और फिर इसके बाद अब आएगा हम लोगों का नंबर। तो फिर यहाँ पे ओम अरमान और बच्चा को अब मैं राखी बांधूँगी। ये देखिए, और मीठा खिला दिया था फिर मामा जी को और मामी जी को भी। और यहाँ पे फिर मामी ने और मामा ने पैर छुए मौसी के। और अब आ गया है मेरा नंबर। और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत आज मैंने राखी बांधने की बच्चा से की थी। तो सबसे पहले बच्चा को बिठा दिया था, क्योंकि अभी जितने मेरे भाई बैठे थे उनमें सबसे बड़ा बच्चा था। तो मैंने कहा लाइन से तुम लोग नंबर लगाओ, सबसे पहले बच्चा को बांधूंगी, फिर अरमान को और फिर उसके बाद ओम को। तो बस सबसे पहले मैं जब बांदा से चली थी तो यहाँ 1:30 बजे से पहले ही मैं 1 बजे के समथिंग मैं चित्रकूट पहुंच गई थी। टाइम से पहुंच गए थे हम लोग, 11 बजे चले थे बांदा से और 1 बजे हम पहुंच गए थे चित्रकूट। और राखी बांधने का मुहूर्त था 1:30 बजे से। तो जैसे ही 1:30 बजा तो बस फिर राखी बंधना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। शुभ मुहूर्त अभी चालू हो गया था, जो भद्रा नक्षत्र था वो हट चुका था। तो ये शुभ मुहूर्त में फिर मैंने और सब लोगों ने राखी वगैरह बांधी। और यहाँ पे मैंने उतार दी है बच्चा की आरती, और यहाँ पे बच्चा छुएगा फिर मेरे पैर, और फिर मैंने उसे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद बच्चा मेरे लिए बहुत ही सुंदर सी एक साड़ी लाया था। तो यहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए हैं, और बच्चा ने फिर अपना गिफ्ट दिया मुझे। और फिर अब उसके बाद अरमान आएगा राखी बंधवाने के लिए। तो बस यहाँ से बारी बारी से सब लोग राखी बांधेंगे। और ये देखिए अरमान को इस समय, अरमान की हाइट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, वो सबसे लंबा हो गया। हालांकि उसकी इतनी उम्र नहीं है पर वो इतना लंबा देखने में लग रहा है। तो वही मैं हंस रही थी कि अरमान तुम तो सबसे लंबे हो गए हो। तो बस यहाँ पे अब अरमान को मैंने टीका कर दिया था और यहाँ पे राखी बांधूंगी अब मैं अरमान को। और यहाँ पे मम्मी और मामी लोग एक दूसरे को मिठाई उठाई भी खिलाते जा रहे थे। ये देखिए, ये मेरे वीडियो में कैप्चर हो गया है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी और लोगों ने खींच ली थी। और मैंने अपना ये जो मोबाइल था तो ये दे दिया था बच्चों को। तो सब लोग बारी बारी से ये वीडियो शूट कर रहे थे। पहले ये वीडियो शूट कर रहा था अरमान, उसके बाद अब ये ओम शूट कर रहा है। फिर उसके बाद जब ओम को मैं राखी बांध लूँगी तो फिर कोई और छोटी सी क्लिप बना देगा। तो बस इस तरह से ये मेरा ब्लॉग भी बनता जा रहा है। और यहाँ पे अरमान को मैंने मिठाई खिला दी है और अरमान ने छुए मेरे पैर। बस इसके बाद अब आएगा ओम का नंबर। और यहाँ पे मेरा सबसे छोटा भाई ओम बैठ गया है। ये अभी हमारे भाई बहनों के ग्रुप में सबसे छोटा और प्यारा सा क्यूट सा मेरा भाई है। तो बहुत ही खुशी होती है इतने प्यारा सा छोटा सा भाई। ये देखो राखी बंधवा रहा है, इतने प्यार से आया है।
तो बस यहाँ पे मैंने अभी उसको टीका कर दिया और राखी बांध दी है, और वो अभी व्लॉग्स भी देखता है मेरे, और जब भी मैं आती हूँ तो मैं उसको ज़रूर अपने व्लॉग्स में ऐड करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अब यहाँ पे मैं राखी वगैरह बांधूँगी, और खाना घर पे भाभी ने बना के सब रेडी कर दिया था, तो बस यहाँ से जाऊँगी और राखी वगैरह बांधूँगी हनी को, तो फिर उसके बाद खाना पीना होगा। अभी मामी जी भी कह रही थी यहाँ पे खाना खाने को, लेकिन अभी हम घर से नाश्ता वगैरह करके चले थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फिर अपने छोटे भाई को थोड़ा सा प्यार दुलार किया और उसने मेरे पैर छुए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बांधी थी राखी, उसके बाद मैं घर पे आ गई भाई के घर पे, और यहाँ पे वेट कर रही थी विनी रेडी होके। देख लीजिए यहाँ पे विनी जो है तो अपने भैया के लिए राखी और रुमाल सब शॉपिंग करके रखी थी, और बढ़िया मिठाई उठाई लेके आ गई है। देखिए अभी वो कर नहीं पाएगी, तो अपनी मम्मी की हेल्प से वो राखी बांध रही है। तो सबसे पहले विनी ने राखी बांध दी थी, आशु भैया को, उसके बाद फिर अब काजल बांधेगी राखी, और फिर उसके बाद आशु ने दो राखी और बंधवा दी थी। उन्नति और शंशु का फ़ोन आया था, तो उन्होंने कहा था हमारे नाम की भी राखी बांध लेना, तो दो राखी फिर उसने और बांधी थी। तो बस यहाँ पे अभी विनी ने बांध दी है आशु भैया को राखी, और यहाँ पे हनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहा था, सुंदर सुंदर सी फ़ोटोज़ उसने खींची यहाँ पे। बस यहाँ पे विनी बैठ गई अपने आशु दादा की गोद में, ये देख लीजिए, और अब आ गई है काजल राखी बांधने के लिए। हम लोगों ने घर से राखी नहीं बंधवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे शुभ मुहूर्त नहीं था, कह रहे थे भद्रा नक्षत्र है, तो भद्रा नक्षत्र के कारण हम लोग 11 बजे ही घर से निकल आए थे। तो उसके बाद ये हुआ कि हम लोगों ने कहा कि चित्रकूट में ही राखी वगैरह तुम लोग भी बांध लेना, घर से नहीं बांध के चले थे, और यहाँ पे राखी बांध दिए काजल ने भी। और आज काजल की छुट्टी है, तो अभी कल उसको हॉस्टल जाना है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। और आज घूमने की प्लानिंग बनाई हुई थी मेरे भाई ने कि कहीं घुमाने ले जाएंगे, तो उसका भी मैं व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में वो आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग कहाँ गए थे घूमने के लिए, चित्रकूट में ही घूमने गए थे, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये विनी साथ में मस्ती कर रही है भैया दीदी के साथ, और वो बता रही थी कौन सी राखी बांधनी है, कौन सी मिठाई खानी है, तो उसका भी यहाँ पे मस्ती टाइम चल रहा था। और बस यहाँ पे बच्चों ने अब राखी बांध ली है, तो यहाँ पे भाई भाभी भी मेरे बैठ गए हैं, अब मैं उनको राखी बांध लूँगी। और दोनों ने मैचिंग के कपड़े पहने हुए हैं येलो कलर के, और ये मेरा भाई मुझसे 15 साल छोटा है। जब मैं 15 साल की थी, जब मैं 10th क्लास में थी, तब ये हुआ था, तो ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ उसको मिठाई और मुझे हंसी आ गई, वो इतना बड़ा पीस था कि उसके उससे पूरा खाते ही नहीं बना, और उसने फिर मुझे भी खिलाई। यहाँ मैंने आरती कर दी है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए विनी बिल्कुल मस्ती के मूड में है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ भाभी को भी राखी बांधने, दोनों लोग को बांधूँगी, भाई को भी भाभी को भी। तो बस यहाँ पे विनी साथ में लगी हुई थी, वो भी अपना सजेशन देती जा रही थी क्या करना है कैसे करना है। तो बस यहाँ पे जब मैंने भाभी को कहा हाथ बढ़ाने को, तो विनी देखिए अपना हाथ पहले बढ़ा रही है, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब लोग राखी वगैरह बांध रहे थे, तो उसके लिए ये अलग सी चीज़ है, क्योंकि अभी वो छोटी है, तो अभी उसको इतना पता नहीं है फेस्टिवल्स के बारे में। बच्चे ऐसे ही देख देख के सीखते हैं, जैसे जैसे बड़ी होगी तो उसको पता चलता जाएगा हर फेस्टिवल के बारे में, तो बच्चे ऐसे ही करते हैं जो देखते हैं।
तो यहाँ पे देख लीजिए। और फिर उसके बाद भाई भाभी ने मुझे गिफ्ट में दी बहुत ही सुंदर सी ये साड़ी, और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सुंदर सुंदर सी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और बस इसके बाद यहाँ पे हम लोगों की राखी वगैरह भी बंद गई थी। और यहाँ पे फिर उसके बाद भाई भाभी ने छुए मेरे पैर, और यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, और यहाँ पे आंशु कुछ फ़ोटोज़ खींच रहा था, तो हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे क्लिक करवा ली थी। तो बस यहाँ पे और भी कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने खिंचवाई थी। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे बंधवा रहे हैं मेरी भाभी से राखी, क्योंकि अभी इनकी बहन भी दिल्ली गई थी, वो भी नहीं आ पाई थी, और किसी कारण से मेरी भाभी के भाई भी नहीं आ पाए थे। तो फिर इन लोगों ने इस तरह से अपना सेलिब्रेट कर लिया था। और यहाँ पे पहले काजल राखी बांधने जा रही थी, फिर लवी ने कहा लाओ मैं ही राखी बांध देती हूँ जीजा जी को, तो फिर यहाँ पे लवी ने राखी बांध दी थी। और यहाँ पे अब देखिए मेरी मौसी की बेटी हीना आ गई है राखी बांधने के लिए हनी को, और अभी ये रेडी नहीं थी जब मैं राखी बांध रही थी, उस टाइम पे ये रेडी हो रही थी। तो बस अभी रेडी होने के बाद वो भी आ गई। और फिर उसके बाद अब ये शाम की क्लिप है, ये है पंडित, मतलब भतीजा है मेरा, विनी का भाई लगता है, तो वो राखी बंधवाने आ गया था। और शाम को कपड़े वगैरह विनी ने चेंज कर लिए थे, लेकिन ये देखिए बड़ी खुशी खुशी से वो पंडित को राखी बांध रही है। तो बस ये राखी का सेलिब्रेशन हमारा जितना जो भी कुछ भी था, तो मैं जितना भी शूट कर पाई मैंने सारी क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और ये राखी मेरी बहुत ही अच्छी रही, और आज हम लोगों ने खूब मस्ती की, खाया पिया घूमा फिरा, और बहुत ही अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया।